Hi everyone, welcome to Study Waves. Today in this video, we are going to discuss two important sections of IPC, which are kidnapping and abduction. किडनैपिंग का मतलब होता है व्यपहरण और अबडक्शन का मतलब होता है अपहरण। अब ये व्यपहरण और अपहरण होता क्या है, यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। गाइस, वैसे तो किडनैपिंग एक डच वर्ड है, जहां किड का मतलब होता है चाइल्ड और नाप का मतलब होता है टू स्टील। और अगर हम लिटरल मीनिंग देखें किडनैपिंग का, तो वो भी चाइल्ड स्टीलिंग होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हम सबके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। जब हम आईपीसी के सेक्शन 360 की बात करते हैं, जो कि बात करता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, तो वहां पर किडनैपिंग सिर्फ चाइल्ड की ही नहीं होती, वहां किसी भी पर्सन की हो सकती है, चाहे वो माइनर हो, मेजर हो, मेल हो और फीमेल हो, कोई भी हो, किसी की भी किडनैपिंग हो सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें पनिशमेंट की, तो किडनैपिंग की पनिशमेंट गिवन है आईपीसी के सेक्शन 363 में, जहां पर कॉन्विक्ट को 7 साल तक की सजा दी जा सकती है और साथ ही साथ उससे फाइन भी लिया जाएगा। और आईपीसी का सेक्शन 359 बात करता है किडनैपिंग की, कि किडनैपिंग दो काइंड का हो सकता है। फर्स्ट इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 360, एंड सेकेंड वन इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 361 ऑफ आईपीसी। नाउ वी विल डिस्कस दीज सेक्शंस इन डिटेल। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है एनी पर्सन, मेल, फीमेल, माइनर, मेजर, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी। तो यहाँ पर किडनैपिंग किस किस की हो सकती है? किसी भी पर्सन की हो सकती है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, माइनर हो, मेजर हो, या फिर उसकी कोई भी नेशनैलिटी हो। तो कोई बाहर का पर्सन है तो वो भी इस सेक्शन के अंडर कवर्ड है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कन्वेइंग बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया। कन्वेइंग बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया का मतलब है जब कोई ऑफेंडर इनमें से किसी भी पर्सन को किसी फॉरेन टेरिटरी में, जहां ऑफेंडर की डेस्टिनेशन है, वहां ले जाता है, जैसे कि साउथ अमेरिका में बोलीविया ले जाना चाहता है, तो यही होता है कन्वेइंग बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया। थर्ड रिक्वायरमेंट है विदाउट कंसेंट। यहाँ पर कंसेंट किसकी? कंसेंट है यहाँ पर जिसको किडनैप किया गया है, जैसे कि कोई भी पर्सन, मेल, फीमेल, माइनर, मेजर, तो इनमें से अगर इनकी बिना सहमति के ले जाया गया है तो ये किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कहलाया जाता है। अगर हम ये कहें कि वो उस पर्सन की कंसेंट थी, और हम ये देखते हैं कंसेंट उसने किसी दबाव में आके दी है, किसी प्रेशर में आके दी है, या फिर किसी डर से दी है, तो वो कंसेंट नहीं कहलाई जाती, वो कहलाई जाती है सबमिशन। तो ये सारी जब रिक्वायरमेंट्स तीनों की तीनों फुलफिल हो जाती हैं, तो ये एक ऑफेंस बन जाता है अंडर सेक्शन 360 ऑफ आईपीसी और कहलाया जाता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 361 ऑफ आईपीसी, और ये बात करता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप की। तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? फर्स्ट है कि यहाँ पर किडनैपिंग किस किस की हो सकती है। यहाँ पर किडनैपिंग माइनर की हो सकती है या किसी भी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की हो सकती है। अब माइनर के केस में अगर वो मेल है तो उसकी एज 16 ईयर से कम होनी चाहिए, अगर वो फीमेल है तो उसकी एज 18 ईयर से कम होनी चाहिए, और अगर वो पर्सन है, कोई पर्सन है अनसाउंड माइंड का, तो उसकी एज कुछ भी हो सकती है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है टेकिंग और एंटाइसिंग ऑफ सच माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। टेकिंग और एंटाइसिंग का मतलब है किसी माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को ल्योर करना, लालच देना, जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं ऑफेंडर किसी बच्चे को बोलता है कि मैं तुम्हें PS4 दूंगा, और वो बच्चे को गेम का शौक भी है और वो ऑफेंडर के साथ चल देता है। तो ये होता है टेकिंग और एंटाइसिंग ऑफ सच माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट है आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन। तो यहाँ पर लॉफुल गार्डियन कौन हो सकता है? जैसे कि किसी माइनर के फादर अपने बच्चे को अपने सर्वेंट या अपने रिलेटिव के देख रेख में छोड़ जाते हैं, तो ये कहलाया जाता है कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है
जरूरी नहीं है कि रिलेटिव या सर्वेंट की वो फिजिकल पोजेशन में हो, ये भी हो सकता है वो अपने रिलेटिव के सामने वाले पार्क में चला जाता है, तो भी ये कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियनशिप ही कहलाया जाएगा। अगर वहां से भी ऑफेंडर उस माइनर को ले जाता है तो ये कहलाया जाता है आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन। और हमारा फोर्थ रिक्वायरमेंट है विदाउट कंसेंट ऑफ लॉफुल गार्डियन। तो यहाँ पर कंसेंट किसकी होनी चाहिए? लॉफुल गार्डियन की होनी चाहिए। तो उसकी बिना सहमति से वो माइनर को या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को ले जाता है ऑफेंडर, और तो ये कहलाया जाता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती हैं, तो ये एक ऑफेंस बन जाता है अंडर सेक्शन 361 ऑफ आईपीसी, और कहलाया जाता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, यहाँ एक्यूज माइनर को परसुएड करता है, जिसकी वजह से माइनर एक्यूज के साथ चलने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ एक्यूज एक एक्टिव रोल प्ले करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक्टिव रोल इज प्लेड बाय एन एक्यूज हु परसुएड माइनर बाय विच विलिंगनेस इज इंड्यूस्ड बाय माइनर। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, अगर कोई एक्यूज माइनर गर्ल से प्रॉमिस करता है कि दैट ही विल मैरी हर, जिसकी वजह से वो माइनर गर्ल अपने लॉफुल गार्डियन का घर छोड़ देती है, तो ये एक एग्जाम्पल है एंटाइसमेंट का। और ऐसा ही कुछ हुआ था ठकुराल डी वाडगामा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, कंसेंट ऑफ माइनर इज इमटीरियल। यहाँ पर कंसेंट रेलिवेंट होती है ओनली लॉफुल गार्डियन की। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब एक सिचुएशन देख लेते हैं जब माइनर या फिर अनसाउंड पर्सन लॉफुल गार्डियनशिप में होता है और वहां से एक्यूज्ड उसे ल्योर करके ले जाता है, तो ये ऑफेंस बन जाता है किडनैपिंग का। और जब ये माइनर और अनसाउंड पर्सन किडनैप हो चुके हैं, तो ये माइनर या अनसाउंड पर्सन आप लॉफुल गार्डियनशिप में नहीं है, अगर यहाँ से कोई और पर्सन उन्हें ऐसे ही ले जाता है, तो ये किडनैपिंग का ऑफेंस नहीं होगा और ये किडनैपिंग नहीं कहलाया जाएगा, और ये कहलाया जाता है डिटेनिंग। अब हम किडनैपिंग से रिलेटेड एक केस देख लेते हैं। केस है एस वर्धराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मैड्रास, AIR 1965। इस केस के फैक्ट्स हैं, अ माइनर नेम्ड सावित्री वाज अ बीएससी स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर एंड शी बिकेम फ्रेंडली विद हर नेबर नेम्ड एस वर्धराजन। शी वांटेड टू मैरी हिम एंड व्हेन हर इंटेंशन वाज कम्युनिकेटेड टू हर फादर बाय हर सिस्टर, शी वाज टेकन टू अ रिलेटिव हाउस। ऑन द नेक्स्ट डे सावित्री लेफ्ट हर रिलेटिव हाउस एंड शी आस्क्ड एस वर्धराजन टू मीट हर। व्हेन ही अराइव्ड शी गॉट इन हिज कार एंड दे मैरिड विद म्यूचुअल कंसेंट। हर फादर फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट ऑफ किडनैपिंग। नाउ द इश्यू अराइजेस इज वेदर एक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। हियर प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट हेल्ड एस वर्धराजन कॉन्विक्टेड अंडर सेक्शन 363 एंड सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व that minor knew the full import of what she was doing and she voluntarily joined the accused. Accused participation was not active and he was held not to have taken her away from keeping of her lawful guardian. तो इस केस के फैक्ट्स हैं कि सावित्री एक माइनर गर्ल है और वो सेकेंड ईयर बीएससी स्टूडेंट है, और उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है उसके नेबर से जिसका नाम होता है एस वर्धराजन, और वो उससे शी वांटेड टू मैरी हिम। अब जब उसकी सिस्टर सावित्री की सिस्टर सावित्री की इंटेंशन को अपने फादर को बताती है, तो उसके फादर सावित्री को अपने रिलेटिव के घर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे सावित्री अपने रिलेटिव का घर छोड़ देती है और वो एस वर्धराजन को बोलती है कि वो उससे मिले। जैसे ही एस वर्धराजन आता है, वो उसकी कार में उसके साथ चली जाती है और बाद में दोनों शादी कर लेते हैं। अब सावित्री के फादर पुलिस कंप्लेन फाइल करते हैं किडनैपिंग की। अब कोर्ट जाता है कि अब इशू वहां ये अराइज होता है, क्या एस वर्धराजन ने किडनैपिंग किया था सावित्री का एंड ही शुड बी हेल्ड गिल्टी ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप।
तो जब केस प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट के पास जाता है तो वो ये हेल्ड करते हैं कि एस वर्धराजन इज कॉन्विक्ट एंड ही इज गिल्टी ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप अंडर सेक्शन 363 ऑफ ऑफ आईपीसी। अब जब केस सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि यहाँ पर माइनर सावित्री उसे सब कुछ पता था, वो माइनर होते हुए भी शी न्यू द फुल इम्पोर्ट ऑफ व्हाट शी वाज डूइंग और उसने खुद ही एक्यूज्ड को ज्वाइन किया। और हम जैसे कि पहले देख चुके हैं कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर एक एक्टिव रोल प्ले कौन करता है, एक्यूज करता है। तो अगर इस केस में देखें तो यहाँ पर एक्यूज का पार्टिसिपेशन एक्टिव था ही नहीं, यहाँ पर सावित्री ने उसे कॉल करके बुलाया था और वो उसके साथ चली जाती है। तो ही वॉज हेल्ड नॉट टू हैव टेकन हर अवे फ्रॉम द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्डियन और एस वर्धराजन वॉज नॉट कॉन्विक्ट एंड ही वॉज नॉट हेल्ड गिल्टी ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। आईपीसी का सेक्शन 362 बात करता है अबडक्शन की, यानी कि अपहरण। अबडक्शन में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर अबडक्शन किसी भी पर्सन का हो सकता है, दूसरा यहाँ पर फोर्स का इम्पोर्टेंट रोल है, फोर्स का, कंपल्शन का या फिर डिसीटफुल मीन्स जिसकी वजह से वो पर्सन को किसी भी जगह से ले जाया गया है। तो किसी को फोर्स के साथ, जबरदस्ती के साथ या धोखे से किसी पर्सन को ले जाया जाता है तो वो कहलाया जाता है अबडक्शन। सेक्शन 362 आईपीसी का सिर्फ डिफाइन करता है अबडक्शन को। अबडक्शन अपने आप में ऑफेंस नहीं है, लेकिन ये एक ऑफेंस बन जाता है अगर उसे किसी सर्टेन इंटेंशन के साथ किया जाए। जैसे कि इंटेंशन अगर हम देखें, अगर वो अबडक्टेड पर्सन को इस इंटेंशन के साथ अबडक्ट किया गया है कि उसका मर्डर कर दिया जाएगा या फिर उसे ऐसे खतरे में डाल दिया जाए कि उसका मर्डर हो सकता है, तो फिर ये ऑफेंस बन जाएगा अंडर सेक्शन 364 ऑफ आईपीसी। या फिर वो इंटेंशन हो सकती है अबडक्टेड पर्सन को रॉन्गफुली कंफाइन करने की। रॉन्गफुल कंफाइनमेंट का मतलब है किसी रूम में या किसी जगह से उस अबडक्टेड पर्सन को बाहर नहीं निकलने देना, उसे वहीं पर रखना, तो ये ऑफेंस बन जाएगा अंडर सेक्शन 365। अगर वो इंटेंशन है कि जिस वुमेन को अबडक्ट किया गया है उसकी अगेंस्ट, उसकी विल के अगेंस्ट किसी और से उसकी शादी कराते हैं वो जबरदस्ती, तो ये एक ऑफेंस बन जाएगा अंडर सेक्शन 366। या फिर अबडक्टेड पर्सन को इस इंटेंशन के साथ उठाया गया है कि उसे ग्रीवियस हर्ट पहुंचाई जा सके या फिर उसे ऐसे खतरे में डाल दिया जाए कि उसे ग्रीवियस हर्ट पहुंचाई जा सके, तो ये ऑफेंस बन जाएगा अंडर सेक्शन 367। और ये एक ऑफेंस बन जाएगा तब जब कोई चाइल्ड की एज 10 ईयर्स से कम है और उसकी बॉडी से डिसऑनेस्टली कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ले ली जाती है, तो ये एक ऑफेंस बन जाता है अंडर सेक्शन 369। तो ये सारे के सारे जो हमने सेक्शन डिस्कस किए हैं, सेक्शन 360, 361, 363, 362, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं एंड वी शुड नो ऑल दीज इम्पोर्टेंट सेक्शन। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।